और भीड़ चिल्ला उठती है कि बरब्बास को छोड़ दो, बरब्बास को छोड़ दो और बरब्बास को छोड़ दो। तो पिलातुस पूछता है कि फिर मैं यीशु मसीह के साथ क्या करूं, और वहां पर भीड़ चिल्ला उठती है कि उसे क्रूस पर चढ़ा दो, उसे क्रूस पर चढ़ा दो, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। एक तरफ बरब्बास को छोड़ देने की पुकार है, दूसरी तरफ क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ा देने की पुकार है, और इस पुकार में पिलातुस उस अपने आप को देता है, और पिलातुस के इस बात की आज्ञा दे देता है कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। But when he pronounced that, he had so much guilt in himself that he has let an innocent blood to be shed. He goes to the water and takes some water in his hand and washes and says, "I have no part in the blood of this innocent." और जो पिलातुस है उसे इतनी ग्लानि हो रही है तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए दे देने के कारण कि वह जाकर पानी वहां रखा हुआ है उसमें अपने हाथ को धोता है और कहता है कि इस निर्दोष व्यक्ति के लहू बहने में मेरा कुछ भी नहीं है। Jesus now is a criminal convicted of the crime and he is beaten. They want to mock him, so they put a crown of thorns, and now he is spat upon by both the Jewish as well as the Roman people at different occasions, and now he is led to the cross that is there in Calvary. और यीशु मसीह को अब एक अपराधी घोषित कर दिया गया है, यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए हैं, यीशु मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट लगाया गया है, और यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया है, और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा है। I believe next week you'll be able to continue the story, but before I conclude, I just want to ask you a question. और मैं सोचता हूँ कि अगले हफ्ते आप इस कहानी को आगे सुनेंगे। खत्म करने से पहले मैं एक प्रश्न को पूछना चाहता हूँ। You know about Jesus in your life through different occasions, through many ways. आप यीशु मसीह के बारे में आपने कई तरह से सुना है। In this story there are many characters. There is Pilate and his Roman government. और यहाँ पर बहुत से लोग हैं। पिलातुस है और रोमी साम्राज्य है। The high priest and his religious circle. और महायाजक हैं और उसका जो धार्मिक झुंड है। There's Herod and his people. और हेरोदेस है और उसके साथ के लोग हैं। There is the disciples of Jesus Christ and his and that group. और फिर यीशु मसीह के शिष्य हैं और वह झुंड है। And then there is the crowd out there. और वहाँ पर एक बड़ी भीड़ भी है। Which group would you place in the story? और आप अपने आप को इस झुंड में किस झुंड में रखेंगे? I know you were not there at that time. You only hearing it, but if you were there, in which group would you place yourself? मैं जानता हूं कि आप वहां पर नहीं थे, किंतु अगर आप वहां होते, तो आप किस झुंड में होते? Peter denied Christ. पत्रस ने यीशु मसीह का इनकार किया। Judas Iscariot, as we know that, when the moment he realized that the high priests have convicted him of blasphemy. He threw the money at the temple and hung himself. और यहूदा इस्करियोती जैसे ही उसे पता चला कि यीशु मसीह को अपराधी घोषित कर दिया गया है, तो उसने अपने पैसों को मंदिर में फेंक दिया और जाकर आत्महत्या कर ली। Pilate, knowing that he's an innocent man, tried to punish him and finally gave in to the demand of the people and led him to be crucified. और पिलातुस, जिसे पता था कि यीशु मसीह निर्दोष है, निर्दोष होते हुए उसने भीड़ के एक बात को सुनकर यीशु मसीह को क्रूस पर मरने के लिए only wanted to see the miracles of Christ. और हेरोदेस जो है वह केवल यीशु मसीह के चमत्कारों को देखना चाहता था। He did not want to believe in him. और वह यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना चाहता था। But there were some people who were crying, you know. The daughters of Zion, they were crying when they saw Christ going into the Golgotha. They were crying, and Jesus said, "Do not cry for me. Cry for you and your children." और कुछ लोग वहाँ पर रो रहे थे, सियोन की पुत्रियाँ जो वहाँ पर रो रही थी, जिन्हें यीशु मसीह ने कहा कि मेरे लिए मत रो, किंतु अपने बच्चों के लिए रो। The morning when we are reading, I think in the Colossians they were saying, "For reconciliation, Christ came."
It was for the reconciliation. और कलुसियों में जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर था कि यीशु मसीह हमारे रिकंसिलिएशन के लिए आया। And through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things on heaven, by making peace through the blood shed on the cross. और वहां पर लिखा हुआ है और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर लें, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग में की। Jesus Christ is the Son of God and Son of Man at the same time. His divinity and humanity can never be separated. Even while he was going through the trial, he was the very Creator. He was the Son of God at the same time, Son of Man. His divinity and humanity were always together, even while he was crucified on the cross. यीशु मसीह मनुष्य हैं और उसी समय में परमेश्वर हैं। यीशु मसीह का मनुष्य होना और परमेश्वर होना दोनों एक साथ साथ चलता है और उसे अलग नहीं किया जा सकता। It was for your sin and my sin that he had to go through this trial and this excruciating pain and death on the cross. और आपके पापों के लिए और हम मेरे पापों के लिए यीशु मसीह को इस क्रूस पर से इस सताव में से होकर जाना पड़ा। The one whom the people and the rulers rejected is your only way of salvation. और जिसे धार्मिक अगुओं ने और लोगों ने तिरस्कार कर दिया, वह एक अकेला रास्ता है आपके उद्धार के लिए। Don't walk away from him. Don't reject him. He is your only hope of salvation. उसके पास से आप चले मत जाइए और उन्हें तिरस्कृत मत कर दीजिए, क्योंकि केवल वही आपके उद्धार के लिए पर्याप्त हैं। May his name be glorified. उनके नाम की महिमा हो।